अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल अज़ीज़ और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी वीडियो अगर हम चलाते हैं तो उसमें जो मसला और प्रॉब्लम आता है उसको किस तरीके से सॉर्ट आउट करें, या वो नहीं चल रही तो उसको किस तरीके से चलाएं। सबसे पहले ये हमने जाना है दिस पीसी के ऊपर, यहाँ पे कंप्यूटर वाला बटन, इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद हमारे पास ये एक विंडो ओपन हो जाती है। विंडो ओपन होने के बाद हमने इसको स्क्रीन को बड़ा कर लेना है यहाँ से। उसके बाद जी हमारी जिस फोल्डर में हमारी मूवीज़ पड़ी हैं, सॉन्ग पड़े हैं, गाने पड़े हैं, हमने वो फोल्डर ओपन करना है। जैसे कि मैं ऐप फोल्डर ओपन कर रहा हूँ। ऐप फोल्डर ओपन करने के बाद जैसे कि ये मेरे पास एक फ़ोल्डर है तेरे बिन ड्रामे का, इसे मैं ओपन कर रहा हूँ। तो जैसे कि मेरे पास ये वीडियोस पड़ी हुई हैं, अब इनमें से मैं कोई भी एक वीडियोस चलाता हूँ तो वो देखते हैं कि वो चलती है या नहीं चलती। अब ये देखें, ये मैं वीडियोस चला रहा हूँ तो ये वीडियोस कोई और ही प्लेयर में, लेकिन मैं इसको VLC के ऊपर चलाना चाहता हूँ। देखें कि ये वीडियो चल पड़ी है, और लेकिन मैं इस प्लेयर पे, मतलब मुझे वीडियोस देखने का शौक़ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ये जितनी भी पे ये वाला प्लेयर ना चले, मेरा कोई VLC प्लेयर है उस पे चले। तो मैं राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर मैं ओपन विद करके यहाँ से आके VLC प्लेयर के ऊपर चलाता हूँ तो ये मेरी वीडियो VLC प्लेयर के ऊपर चल जाएगी ओपन विद करने के बाद। अब देखें कि ये वही वीडियोज़ है और ये VLC पर चल गई है। कोई तुम्हारा अपना नहीं है। अब मैं इसको ख़त्म करता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि ये मेरी जितनी भी वीडियोस हैं ये VLC पे आ जाएं, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि राइट क्लिक करूँगा किसी भी एक वीडियोस के ऊपर। राइट क्लिक करने के बाद फिर मैं ये प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा, नीचे 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 प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद फिर मैं यहाँ पे चेंज पे जाऊँगा। चेंज वाला ऑप्शन, ये चेंज को डबल क्लिक करूँगा। चेंज पे जाने के बाद यहाँ पे मैं अपना VLC सिलेक्ट करूँगा, और VLC जैसे ही सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करने के बाद मुझे क्या करना है कि यहाँ पे ओके कर देना। ओके करूँगा तो देखिए मेरी सारी की सारी वीडियोस VLC पे कन्वर्ट हो गई हैं। अभी मैं जो भी वीडियोस चलाऊँगा वो सिर्फ VLC के ऊपर चलेगी। अभी मेरे पास जितनी भी वीडियोस हैं वो सब के सब VLC के ऊपर हैं, और मैं VLC पे चलाना है। अभी मैं कोई भी वीडियोस चला के देखता हूँ, और चलाने के बाद देखते हैं कि वो VLC पे चलती है या नहीं चलती। ये जी हमने एक चलाया है और ये VLC पे चल पड़ी है। ये देख रहे हैं आप, ये हमारी VLC फोल्डर पे चल पड़ी है। और ये इसको चेक करने के लिए एक और वीडियो हम करते हैं, एक और वीडियो को चलाते हैं, हम देखते हैं। ये भी हमारी VLC पे चल पड़ी, ये हमारी फुल स्क्रीन है, यहाँ से हमने फुल स्क्रीन कर लेनी है। ये हमारी VLC के ऊपर वीडियो चल पड़ी है। इसको अब हम क्लोज़ करते हैं। क्लोज़ करने के बाद अगर आपके पास VLC भी नहीं है, आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर, आपकी वीडियो नहीं चल रही, तो आपने क्या करना है, ओपन विद करने के बाद आपने विंडोज़ का जो प्लेयर है उस पर चला देनी है। ये ओपन विद करने के बाद यहाँ से देखिए, ये मेरे पास एक मीडिया प्लेयर भी है, एक मूवीज़ और TV प्लेयर भी है, तो मैं इसके ऊपर चलाता हूँ कि इस पर वीडियोज़ चलती है। चलें चेक करते हैं। ये सब कुछ होगा यहाँ उसके साथ, ऐसे जूते खाएगी वो हमारी ना। देखिए इसके ऊपर भी वीडियोस चल पड़ी है हमारी। और अभी एक हम और टेस्ट करते हैं। और टेस्ट करने के लिए हमने सबसे पहले जाना है फिर ओपन विद प्लेयर के पे। जाने के बाद फिर देखिए यहाँ पे एक मीडिया फाइल भी है मेरे पास, एक VLC भी है, एक मेरे पास मीडिया प्लेयर भी है। अब मीडिया प्लेयर पे चेक करते हैं, मीडिया प्लेयर पे क्या ये चल जाएगा, देखते हैं। देखिए मैंने आपको एक वीडियोस कितने प्लेयर पे चलाना सिखा दें। देखिए इसके ऊपर भी अभी ये वीडियोस चल पड़ी है। अभी हम देखेंगे कि ये किस तरीके से चल रही है वीडियोस। ये देखिए यहाँ से हम आगे बात की बात में देखी यहाँ पे भी जाएगी। चल रही है, और ये ऐसी हमारा बातें मत ड्रामा करो भी जो आप हमारे देख बस सकते में हैं नहीं किस है। तरीके से चल रहा है। और आज की वीडियो का हम एंड इस पे करते हैं। अगर आपकी कोई भी वीडियो नहीं चल रही तो आप इस तरीके से अपनी वीडियोस को चला सकते हैं। शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।